दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने YouTube चैनल सुरेश चंद तिवारी वीडियोज़ में। और दोस्तों अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, चातुर्मास, और इस चातुर्मास के समय में उत्तराखंड में जो भी सूखी नदियाँ हैं जिनमें आमतौर पर पानी नहीं देखा जाता है, आजकल ये नदियाँ पूरी पानी से भरी हुई हैं, लबरेज हैं। और ये जो पानी है दोस्तों, इनमें बहरहाल इस साल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है अपेक्षाकृत पिछले सालों के जो पहले से होती थी। फिर भी हम देख सकते हैं कि इनमें जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। ये बिच्छू का पेड़ है, ये सोण कहते हैं इसको, यहाँ पर सोण बहुत दिखता है। ये बिल्कुल रोड में ही है और रोड में से ऊपर से ये झरना जैसा बनता है, सुंदर प्रदृश्य बनता है। यहाँ से नीचे हरा लावा हरते होते हुए उसे फल कर पहुँचता है, ऐसे जीवन परिदृश्य बनता है। ये बनता है ऊपर से झरना, छोटा यहाँ से बहुत ही गहन और रोड, ये रोड पर ही है। घटना है ऐसा भी हटराए हुए और सुंदर चलने का भी आनंद कुछ और। चलती गाड़ियाँ भी चली जाती दूर तक। तो ये पानी में चल के जाती है जैसे आपने देखा है, और जब यहाँ से आप देखते हैं तो चौकुड़ी और कराला सोड़ गांव पूरा आ जाता है, बहुत सुंदर दृश्य बनाता है। ऊपर जो घास का पूरा टीला मैदान बहुत ही रमणीय, आसमान पूरा बादल से घिरा हुआ। वहाँ आगे कराला गाँव में थोड़ा धूप दिखी जा सकती है और इस तरफ का पहाड़ी क्षेत्र पूरा चौपड़ी नीचे बरड़ नदी बहुत ही रमणी। और यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे वहाँ पर एक घाट आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये घराट जो है नीचे नदी में बना हुआ है वहाँ पर, और उसी घराट के नीचे पानी चल रहा है, विहंगम परिदृश्य बनता है। ये फिर यहाँ रोड आ जाती है, इस जगह से आप परिचित होंगे, इसको कहते हैं कठोली घाट। और इतनी भयंकर रूप धारण करती है चौमास के इस टाइम पर जब वर्षा ऋतु का समय होता है, इसको तर जाना, इसको पार करना बहुत कठिन होता है। और
एक बार यहाँ से दो लड़के स्कूल के सिमगढ़ी से जो रहने वाले थे, यहाँ स्कूल पढ़ते थे, तो वह जहाँ आगे पार पत्थर दिखाई दे रहा है वहाँ से वो लोग ये नदी को पार करके इधर आ गए थे। यहाँ देख सकते हैं, वहाँ से एक इंचार्ज आ रहे थे हॉर्टिकल्चर के, उन्होंने आवाज़ लगाई भैया मुझे भी नदी पार कर दो, और दोनों दोस्त नदी पार कर उधर गए। उस आदमी को पकड़ के जैसे यहाँ पर बीच में पहुँचे थे तो दोस्तों ऊपर से इतना ज़्यादा जलस्तर आ गया कि वो इंचार्ज के साथ में वो इस नदी में बह गए और उनका आज तक पता नहीं चला। दो चार दिन के बाद जब देखा कि नीचे पानी का तालाब और उसमें जो जूते तैर रहे हैं, भाई ऊपर को जूते किसके तैर रहे हैं, जब देखा तो वो बच्चा दबा हुआ तालाब के अंदर मिट्टी में धंसा हुआ, और जब देखते हैं जलस्तर बढ़ गया है तो वह लोग न तो इधर आ सके न उधर जा सके, और अगर वो इंचार्ज जी नहीं आते तो बच्चे तो पहले ही गाड़ पार कर चुके थे, नदी पार कर चुके थे, वो बच्चे बच जाते। दोस्तों इतनी भयानक ये जगह है, इसमें बनता ये प्रपात वाटरफॉल आप देख सकते हैं, परिदृश्य बना रहा है ये झरना, और क्या झरना है दोस्तों, इस झरने को आप देखिए, यहाँ से दिवाली की पठोल गाढ़ है ये दोस्तों हमारे यहाँ उत्तराखंड में। अभी तो ये बहुत शांत आपको दिखाई दे रही है पर ये इतनी शांत नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, धन्यवाद।